हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप अगर एक डिज़ाइनर हो तो आप लोगों को ये ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम बताएंगे जो फिगर होता है हमारा, जो फीमेल फिगर होता है, तो उसमें कुछ टाइप्स होता है शेप का, ठीक है। क्योंकि एक एक बॉडी का अलग अलग शेप होता है। लगभग जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रेंड, 6000 ऊपर हमारा फिगर है। और उसमें से जैसे कि सबसे जो एकदम मोस्ट जो कॉमन होता है वो 4 साइज होता है, यानी कि 4 शेप होता है, बॉडी का 4 शेप होता है। वो फर्स्ट मैंने डिस्कस करूँगा, एक एक करके डिस्कस करूँगा और बहुत सारे पॉइंट पे बताऊँगा। इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा कितना टाइप बॉडी टाइप होता है वो, और बाद में हम आप लोगों को बता देंगे जैसे कि कौन सा बॉडी में कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। और आप लोगों को फ्रेंड एक बात घर में यानी कि एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद, आपका बॉडी शेप कैसा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक तरीका होता है, कुछ पॉइंट्स होता है वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में लिखेंगे तो वो भी वीडियो हम बना देंगे, ताकि हर एक किसी को देखकर ही आप लोगों को पता चल जाएगा इसका बॉडी शेप इस टाइप का है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो 4 जो इसमें बता रहा हूँ, एक एप्पल टाइप होता है, एक पीआर होता है, और आवर ग्लास होता है, और एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप होता है। और 6000 जो बॉडी शेप होता है उसमें से यानी कि कम करके, जो धीरे धीरे मोस्ट जो कॉमन होता है वो लेस करके, ये जो बेसिक है वो 4 टाइप होता है। इसके बाद जो थोड़ा सा वेरिएशन करके कुछ और जो होता है, तो ये देखिए उसका बॉडी शेप आप देख लीजिए, थोड़ा सा बॉडी शेप आप देख लीजिए। और मैंने थोड़ा सा ऊंचा कर रहा हूँ और उसमें से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट जो होता है फ्रेंड, जो मैंने दिखा है ना, जो 4 टाइप जो एप्पल शेप होता है, तो एप्पल शेप का जो और भी कुछ नाम होता है फ्रेंड, जो जैसे कि इन्वर्टेड जो ट्रायंगल होता है वो लाइक एप्पल शेप इसके अंदर जा रहा है, ऊपर जो शोल्डर बड़ा होता है, इसमें बहुत सारा लॉजिक होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंड। फिलहाल इस वीडियो का दिखाने का मकसद है, आप लोग अगर फैशन डिज़ाइनर है, आप फैशन डिज़ाइनर हो तो आपको ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अबाउट यानी कि आप लोग जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो उस वक्त ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे कि फिगर को कैसे आप लोग पहचानेंगे, यानी कि कौन सा फिगर एप्पल फिगर है, कौन सा बनाना कैरेट फिगर है, कौन सा ट्रायंगल कौन सा है, और कौन सा फिगर सबसे बढ़िया होता है, धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड, ट्रायंगल जो शेप होता है, देखिए ट्रायंगल शेप किस तरीके से हो रहा है, ये देखिए जो ट्रायंगल शेप, इसी तरीका से हमारा बॉडी में होता है। तो बॉडी में होता है क्या फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ शेप किसके आधार पर होता है। तो फ्रेंड शेप होता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग शोल्डर फॉलो करते हैं, कभी कभी हम लोग जो लेग तक यानी कि इस तक, इसके ऊपर, ये सब भी हम लोग फॉलो करते हैं। नेचुरली जो हमारा बास्ट होता है, बास्ट बोले तो फ्रेंड हमारा चैनल में बास्ट को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूशन है, मगर इसमें होता है नॉर्मल बास्ट को ही हम इसमें बास्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल बास्ट, उसके बाद वेस्ट हो रहा है, इसके बाद हिप होता है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग मेजरमेंट होता है, और मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा जो ट्रायंगल शेप जिस बॉडी को है, जिस फीमेल फिगर में है, तो उनको कौन सा यानी कि क्या क्या मेजरमेंट होता है, उसका हाई बस्ट कितना होता है, सॉरी नॉर्मल बस्ट कितना होता है, वेस्ट कितना होता है, हिप कितना होता है, ठीक है, लेग का शेप कितना होता चाहिए, तो तब वो ट्रायंगल शेप बनता है बॉडी का, तो हम बता देंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आ रहा है फिर इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड को हम जैसे कि एप्पल भी हम लोग बोल सकते हैं, ये एप्पल की तरह आता है। और जो ट्रायंगल शेप, ये पियर एक हमारा ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, जब पियर शेप बॉडी होता है ना, तो वो पियर शेप के अंदर इसमें सिमिलैरिटी जा रहा है इसके अंदर। तो देखिए जो पीछे मैंने जो 4 टाइप दिखा है वो इसे वेरिएशन निकल रहा है थोड़ा सा, जैसे कि 8 शेप लगभग और 12 शेप लगभग हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा बॉडी शेप होता है, इसमें से 12-16 आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब वेरिएशन है। तो ये रहा जो इन्वर्टेड जो ट्रायंगल है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जो शोल्डर बहुत बड़ा होता है, और नीचे वाला जो बेसिकली जो आप लोग देखेंगे जो बहुत मेल फिगर में इस तरह होता है, जो शोल्डर बहुत ब्रॉड होता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा नैरो होता है, हिप भी बहुत सा नैरो होता है, तो इसी तरह जो फिगर होता है उसे हम लोग इन्वर्टेड ट्रायंगल बोलते हैं। ये बॉडी का एक शेप है, ये है रेक्टेंगल शेप बॉडी। आप देखिए रेक्टेंगल जो शेप जो बॉडी होता है उसमें आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें जो हमारा नॉर्मल बस्ट होता है, वेस्ट होता है, हिप होता है, लगभग एक ही लाइन में होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है उसमें, स्ट्रेट कट उसमें दिखता है, तो इसलिए वो रेक्टेंगल शेप होता है, लाइक बनाना शेप होता है, उसे हम बनाना शेप भी बोलते हैं हम। तो फ्रेंड ये क्या है, जैसे कि एप्पल शेप और पियर शेप, बनाना शेप, तो फ्रेंड ये है एक ऑब्जेक्ट, हमारा जो बॉडी का जो शेप होता है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ वो कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ का सीखने का एक प्रोसीड्यूर होता है अलग अलग, वो उसी हिसाब से आप लोग सीखेंगे और जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम हर एक फ्रूट का एक अलग अलग शेप होता है, तो वही शेप से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तरह ही हमारे से हम जो आज सीखा रहा है तो हमारे से जन्म से पहले ही भी ये चल रहा है। हाँ, मगर कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो टिप्स आप लोगों को मैं बताऊंगा, और वो इस तरीका से वो इजी करके आप लोगों को बता दूंगा, ताकि फिगर से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक फैशन डिज़ाइनर को ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना फिगर को पहचानिए, कौन सा फिगर है आप, और इसका डाइट चार्ट भी होता है फिर, ठीक है। आप लोग अगर बोलेंगे हम तो कोई डाइट देने तो वाला नहीं, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके से कुछ एक्सरसाइज करने से वो फिगर अलग अलग चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल टाइप जो फिगर होता है उन लोगों को कौन सा डाइट लेना है, तो इसी तरह कुछ टिप्स हैं वो हम वीडियो के साथ हम बता देंगे। और उसके बाद फ्रेंड जो होता है आवर ग्लास शेप, ठीक है फ्रेंड, इसे बोलते हैं आवर ग्लास शेप इस फिगर को, तो ये है सबसे बेस्ट होता है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जो गॉड गिफ्ट होता है, और इस दुनिया में जितना फिगर शेप होता है सबसे बढ़िया ये फिगर है, जिन फिगर यानी कि जिस फीमेल फिगर इस तरह है, और उनका तो बात ही कुछ अलग है, तो इस तरह का फिगर का, तो इसमें क्या होता है जो शोल्डर मानिए हमारा और शोल्डर जितना ही है, और उसी के साथ साथ जो हमारा हिप होता है लगभग एक ही लाइन में होता है, और मानिए किसी का जो बस्ट होता है 36 होता है, और जो वेस्ट होता है 26, फिर से हिप होता है 36, ये इस टाइप का फिगर का उसे हम जो आवर ग्लास शेप बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया ये फिगर शेप होता है। और उसके बाद हम लोगों को जानना है जो डायमंड शेप होता है, थोड़ा सा इधर जो फैटी टाइप होता है, जो उनका अलग से कोई वेस्ट नहीं रहता है, वेस्ट यानी कि हमारा इस पोजीशन को बहुत भारी होता है उन लोगों को, और हिप भी थोड़ा सा नैरो होता है, ऊपर वाला पोजीशन भी नैरो होता है इस तरह। तो देखिए सभी फिगर यानी कि सभी फिगर अच्छा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है सभी फिगर, मगर क्या है हम लोग डिज़ाइनर हैं, हम लोगों को जानना है, जैसे कि हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ हर दिन जो कामकाज में बिजी रहता है उनका फिगर तो इस तरह तो नहीं होगा ना, आवर ग्लास नहीं होगा उनका फिगर, तो हो सकता है जैसे कि वो पहले गॉड गिफ्ट हो सकता है, मगर ध्यान में रखना है जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं उन लोगों को पेट थोड़ा सा बढ़ता है, ये जनरली फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ जो लोग एक्सरसाइज करके उनका फिगर ठीक ठाक करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सभी का फिगर, जैसे कि जो जनरल पर्सन होता है उनका भी फिगर का एक स्टाइल होता है, वो ही इस जगह में फ्रेंड डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड जो राउंडेड शेप होता है, आप लोग देखेंगे बहुत सारा फिगर होता है इसी तरह राउंडेड शेप होता है, ठीक है, तो राउंडेड शेप का भी बहुत सारा होता है, जैसे कि वो शोल्डर कम होता है, और जो वेस्ट अलग से कोई वेस्ट नहीं होता है उन लोगों को, बहुत भारी पोजीशन होता है, और साइड व्यू है, ये सब दिखने का और भी बहुत कुछ अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड, तो
मैं बाद में बता दूंगा। तो ये रहा, और एक चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो है फ्रेंड, जैसे कि कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने 4 बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया 6 बॉडी शेप बताया। तो देखिए, फर्स्ट जो बताया वो भी ये इसके अंदर है, 6 के अंदर है। और अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड 12 डिफरेंट बॉडी शेप का नाम बता रहा हूँ और उसका पिक्चर दे रहा हूँ, वो भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जो आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड, ये देखिए स्ट्रेट बॉडी शेप जो हम लोग इस टाइप होता है, जो रेक्टेंगल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत, जैसे कि फिल्म एक्ट्रेस को आप लोग देखेंगे इस तरह का है। तो मैंने नाम भी उन लोगों को बता दूंगा, वो उस बॉडी टाइप को थोड़ा सा पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देंगे जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बॉडी को पहचानेंगे आप लोग कैसे, ठीक है। उसका बैक देखेंगे, उसका फ्रंट देखेंगे और उसका कुछ मेजरमेंट आप लोगों को देखना है, और भी साथ साथ बहुत कुछ देखना है। देखकर आप लोग बहुत आसानी से पता कर लेंगे जो ये कौन सा शेप है बॉडी का। तो सबसे पहले इसका जो 12 जो पॉइंट आ रहा है, इसमें आ रहा है दिस स्ट्रेट बॉडी शेप। सबसे पहले स्ट्रेट बॉडी शेप, तो देखिए स्ट्रेट बॉडी शेप किस तरीका से है, ये देखिए इसमें बहुत बढ़िया है ड्राइंग किया हुआ है, और ये जो अलग से कलर दिखाया है इस जगह में। तो देखिए इसमें जो शोल्डर होता है, जो हाई वेस्ट होता है, हिप, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट कट, मगर बहुत बढ़िया, अच्छा है ये फिगर, बहुत अच्छा है। तो ये लगभग जो रेक्टेंगल जो मैंने एक जियोमेट्रिकल जो शेप जिस अभी मैंने बताया आप लोगों को, तो वो शेप के ऊपर ये जा रहा है। बहुत एक्ट्रेस को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अनुष्का जो शर्मा है, उसका बॉडी इस टाइप का है, ठीक है। तो इसी तरह है, और उसके बाद ये है प्यार, प्यार बॉडी शेप, जैसे कि एक फ्रूट के नाम लेकर इसे कंपेयर किया गया है। और इसे आप जैसे कि ट्रायंगल भी हम लोग बोलते हैं, ट्रायंगल बॉडी शेप भी हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरह बहुत अलग अलग वेरिएशन, बहुत लोग अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। तो इसे क्यों बोलते हैं, हम किस तरीक़े से हम लोग इसे पहचानेंगे, वो फिर से मैं बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों को बता रहूँगा। फिर अब ये प्यार बॉडी शेप है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 में है फ्रेंड एप्पल बॉडी शेप। एप्पल आप लोग देखेंगे ना, एप्पल ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा की तरह होता है, नीचे थोड़ा सा, यानी कि जो इन्वर्टेड ट्रायंगल इसके अंदर आ रहा है, ये देखिए ये है एप्पल शेप बॉडी, ठीक है। आप लोगों को जानना जरूरी है किसे हम बोल रहे हैं एप्पल शेप, ये देखिए। और उसके बाद फ्रेंड हम बताएंगे जैसे कि स्पून बॉडी शेप, ठीक है, स्पून बॉडी शेप नंबर 4 में है। तो स्पून जो बॉडी शेप है उसमें खास बात ये देखिए, ये भी जैसे कि ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, मगर इसमें जो है, जो हम लोग जो प्यार बोल रहे हैं ना, तो वो भी इसके साथ मेल जोल हो रहा है, क्योंकि प्यार में होता है क्या, जो बास्ट और जो वेस्ट होता है वो बहुत ही नैरो होता है, इसलिए इसका नाम स्पून दिया हुआ है, और हिप पोजीशन बहुत ही भारी है, तो इसलिए इसका जो है वो नाम है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है आवर ग्लास बॉडी शेप फ्रेंड, ये सबसे बेस्ट है दुनिया में, जितना फिगर है सबसे बढ़िया फिगर है ये। तो ये है आवर ग्लास बॉडी शेप। इसका जो खास बात ये होता है फ्रेंड, वो ये हमेशा जैसे कि किस तरीक़े से मेजरमेंट में होता है आप लोग देखेंगे, जो ऊपर का जो शोल्डर होता है थोड़ा सा राउंड शेप होता है, और नॉर्मल बस्ट और जो वेस्ट होता है और जो हिप होता है, हिप जो वेस्ट होता है इसका बहुत ही नैरो होता है, और जो हिप और जो नॉर्मल बस्ट होता है वो लगभग, मानिए हमारा जो बास्ट अगर 36 हो तो हिप भी 36 ही होता है इसका, और वेस्ट जो होता है लगभग 18 इंच इसका कम होता है, कभी कभी 10 इंच भी कम होता है। तो ये बहुत बढ़िया फिगर है, बहुत एक्ट्रेस का भी ये इस तरह फिगर है। और इसे मेंटेनेंस करने के लिए, इस टाइप का फिगर के लिए कौन सा वर्कआउट करना है ये मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद फ्रेंड ये जो हो रहा है फ्रेंड ओवल बॉडी शेप, तो देख ही रहे हैं आप लोग, एक फैटी टाइप इसमें आ रहा है,
जैसे कि किसी का इस वाला पोजीशन में बहुत फैटी टाइप है, ठीक है, और इसी तरह है, और इसी तरह है, और भी जैसे कि कौन सा एक्ट्रेस आप लोगों के दिखा देंगे तो इस टाइप में आ जाएगा फ्रेंड। तो ये रहा एक, और सेवन में हम लोग बोलेंगे फ्रेंड डायमंड शेप बॉडी शेप, ठीक है। देखिए डायमंड शेप जो बॉडी होता है ना, ये देखिए डायमंड, तो वो किस तरीका से दिखता है आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए इसका बॉडी इसी तरीका से होता है, यानी कि डायमंड की तरह है ना, ये देखिए फोर शेप होता है, तो उसी तरीका से ये बॉडी होता है। इसका भी जो लोअर वाला जो पोजिशन होता है बहुत भारी है, वॉइस बहुत भारी है, तो इसी तरह है। और उसके बाद देखिए टॉप आवर ग्लास बॉडी शेप, ये देखिए फिर आवर ग्लास जो बॉडी शेप उसका और एक वेरिएशन है इसमें। इसमें 12 पॉइंट इसलिए क्या है फिर थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के क्या है, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसे बोलते हैं, चलिए फिगर को हम दिखा दें। तो ये देखिए ये बहुत बढ़िया, आप लोग देखेंगे बहुत लोगों को फ्रेंड हिप थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड, हिप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये देखिए, और जो बास्ट है उन लोगों को बहुत बड़ा होता है। तो इसी तरीका से ही फिगर, और उससे ज़्यादा नैरो पोजिशन बहुत ही नैरो है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ जो लेग का जो सिमिलैरिटी बहुत बढ़िया अच्छा है इसका, ठीक है, यानी कि बॉडी के साथ बहुत मैच हो रहा है। और कुछ कुछ फिगर ऐसा होता है जैसे कि ये देखिए स्किनी बॉडी शेप होता है, ठीक है, ये देखिए स्किनी बॉडी शेप का जो लेग बहुत ही नैरो है, ठीक है, लेग पोजीशन हिप पोजीशन बहुत ही नैरो है। और फ्रेंड और एक भी बात मैं बता दूँ, ये मैं आप लोगों को जैसे कि बता रहा था, एक क्वेश्चन मेरा मन में आ रहा था, तो देखिए जो मानिए पियर साइज पियर शेप का जो बॉडी होता है, ऐसा नहीं है जो कंट्रोल करने के बाद जो शेप होता है ऐसा होता है। कभी कभी देखा जाए जो बहुत फैटीनेस जिन लोगों को होता है, मगर उनका भी बॉडी आप लोग पहचान सकते हैं, जो ये जैसे कि वर्कआउट करने के बाद ये कौन सा शेप आएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी होता है अगर किसी वजह से किसी का फिगर मोटा हो जाए तो भी आप लोग काम करें, और ये बॉडी का शेप वो फिक्स नहीं होता है। आप लोग देखेंगे कोई नॉर्मल इंसान अगर जिम करने से पहले उनका बॉडी शेप ठीक नहीं होता है, मगर जैसे ही वो लोग जिम करते हैं उसका बॉडी अलग से हो जाता है। तो ये चेंजिंग होता है, ये ऐसे नहीं है हम ये नहीं कर सकते, आप भी ये कर सकते हो, बॉडी इस तरीका से भी आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड जो एथलेटिक है जो है बॉडी शेप, ये देखिए एथलेटिक जो बॉडी, उन लोगों का भी इसमें एक नाम दिया है। क्यों नाम दिया है फ्रेंड, उन लोगों को बॉडी शेप थोड़ा सा अलग है, तो वो भी एक टाइप का बॉडी शेप होता है। ये देखिए उन लोगों का बॉडी शेप किस तरीका से है, इस तरीका का दिखता है, ये देखिए एथलेटिक इसका बॉडी शेप होता है। और क्यों बोलते हैं इसे वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद जो लॉलीपॉप बॉडी शेप होता है, ये देखिए ये भी और एक स्टाइल होता है जो लॉलीपॉप बॉडी शेप। तो इसमें एक खास बात है फ्रेंड, इसमें जो नॉर्मल वास्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वेस्ट थोड़ा सा कम होता है, हिप थोड़ा सा कम होता है, मगर ये ऊपर वाला जो शोल्डर होता है ना वो स्ट्रेट कट बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। इसके खास आप लोग देखेंगे आजकल एक सीरियल चल रहा है, नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उसके एक एक्ट्रेस है जो क्या नाम है हमें याद नहीं आ रहा है, उनका बॉडी शेप मैंने देखा है बहुत ही अनकमन है, तो इस टाइप का बॉडी है, ठीक है। और आप लोग अगर बॉडी को जानना है तो फ्रेंड कुछ ड्रेस ऐसे पहनी है, और अपना जो मिरर है उसके पास जाइए और अपना लुक उसमें देखिए, आप लोग खुद ही जान पाएंगे। सिर्फ इसी तरह कपड़ा पहनेंगे तो ठीक ठाक है, अदरवाइज कोई टाइट वगैरह कुछ फिटेड ड्रेस पहन के आप आईने आईने के सामने आइए तो देखिए उसमें आप लोगों को बॉडी फिर दिखेगा क्लियरली। और उसके बाद फ्रेंड जो कॉर्नेट बॉडी शेप होता है, तो कॉर्नेट बॉडी शेप ये भी एक टाइप का बॉडी होता है। आप लोग सिर्फ नाम को आप अलग से डायरी में करिए फ्रेंड, और जो पिक्चर दिखा रहा हो सके इसे भी आप स्क्रीन शूट करके आप रखिए कुछ अलग जगह में, बहुत काम आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए ये एक टाइप है, इसमें जो ऊपर वाला जो यानी कि इन्वर्टेड जो ट्रायंगल टाइप होता है, हमारा
बास्क बहुत भारी होता है उनका, ठीक है। इसी तरह इसका नाम है, और ये टाइप एक एक्ट्रेस जो शत्रुघ्न सिन्हा होता है ना, उसका जो बेटी है उसका यही फिगर है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो इसी तरह है। और उसके बाद फ्रेंड इस जगह में आप लोग देखेंगे कुछ पिक्चर मैंने दिया है, और ये भी अलग दिया है, आप लोग देखेंगे इसमें। और इसमें मैंने स्टेट और सबसे बाद प्यार, और इसमें स्पून, उसके बाद आवर ग्लास, मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ, बहुत ही छोटा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है, और टॉप आवर ग्लास है, और इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ओवल है, और डायमंड है इस जगह में। ये भी कुछ पॉइंट इस जगह में दिया है पिक्चर के साथ, ताकि आप लोगों को इसी तरह का देखकर भी आप लोगों को अंदाजा आप लोगों को लगे हाँ इस तरीके से, क्योंकि ये सब पहले ही मैंने आप लोगों को दे दिया है। मैंने और भी बहुत कुछ है इस जगह में जो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अलग अलग पिक्चर इसमें रखा है। ये देखिए रेक्टेंगल होता है, ये देखिए रेक्टेंगल फिगर, थोड़ा सा रियलिस्टिक करके मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये है ट्रायंगल, ठीक है फिर। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, वीडियो करते करते ये सब याद आ रहा है क्योंकि ये एक ही टॉपिक से ऊपर है फिर। सबसे पहले हम लोग ये फिगर जान रहे हैं, तो फिगर के बाद हम लोगों को, जैसे ही फिगर के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम लोगों को जानना है कौन सी फिगर में कौन सी टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए। उसके बाद पोच होता है, पोच हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग देखते हैं इस जगह में ये एक पोच है, ये एक पोच है, ये तो इसी तरह एक एक पोच होता है, वो आप लोगों को इलस्ट्रेशन करने से पहले ये सब जानना है। हर एक पोच का तो नाम नहीं होता, मगर कुछ कुछ का एक अलग से नाम होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो फिगर का, जैसे कि बहुत सारा भाग होता है, यानी कि हमारा कितना हेड का फिगर होता है, 10 हेड 8 हेड 9 हेड, इसी तरह हेड का भी बहुत सारा भाग होता है, वो भी हम सिखा देंगे आप लोगों को। और फ्रेंड ये हमारा फैशन डिज़ाइनिंग का चैनल मैंने अलग से बना लिया है, और हमारा जितना कटिंग स्टिचिंग का जो चैनल है वो मैंने अलग कर दिया है। आप लोग अगर किसी को पता ना हो तो प्रशांत कर फुल टेलरिंग कोर्स करके मैंने अलग से एक चैनल बनाया है फ्रेंड, उसमें आप लोग देखेंगे प्लाजो गाउन वगैरह ब्लेजर वगैरह सब कुछ, ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग वो एक अलग चैनल है, ब्लाउज़ का भी अलग चैनल है, ड्राइंग का भी अलग चैनल है। और ये जो चैनल है फ्रेंड, इसमें सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग हम सिखाएंगे, इसलिए इस टाइप का वीडियो मैं बना रहा हूँ। शायद आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड ब्लाउज हो तो ये सब जानना चाहते हैं तो आप देखिए, अदरवाइज हमारा ब्लाउज चैनल है उसमें विजिट करिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं, इसी तरह आप लोगों को दिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे वो नाम अलग से लिखिए और फिगर को इसी तरह स्क्रीन शूट करिए, नहीं तो अलग से ड्रॉ करिए, अलग से जगह में रखिए। हम दोबारा ये वीडियो अलग से हम बनाएंगे, आप लोगों को पहचानेंगे, यानी कि बताएंगे जी किस तरीके से फिगर को हम देख के हम समझ जाते हैं कौन सा टाइप का कौन सा शेप का फिगर है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।